नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको पता है मैंने सूचित किया था कि 13-12 यानी 13 दिसंबर 2022 को एक समीक्षात्मक बैठक होना था। हालांकि ये जो होना था आपका दो टॉपिक पर, पीएमईजीपी लोन के राशि के भुगतान के संबंध में और पीएमएफएमई लोन के बारे में, लेकिन इसमें बहुत अहम फैसला निकल के आ रहा है कि एक रैंकिंग निकला गया था आपका बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के लिए बारे में, पीएमईजीपी और उद्यमी योजना के बारे में एक रैंकिंग निकाला गया था। रैंकिंग में कौन से स्टेट नंबर वन पर है, कौन से क्या है, वो मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो 13 दिसंबर 2022 का जो समीक्षात्मक बैठक हुआ था उसमें क्या कुछ निकल के आ रहा है वो मैं आज के वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को। बिहार राज्य में पीएमईजीपी पीएमएफएमई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में के आदि जितने भी योजनाएं चलाई जाती है, पीएमईजीपी हो गया, पीएमएफएमई हो गया, प्रगति के आधार पर सभी जिलों की रैंकिंग किया गया, जिसमें पहला स्थान आपका सिवान का आया है। सिवान जिले से जितने लोग आते हैं सभी को हार्दिक बधाई, सिवान नंबर वन पर आया है। ये रैंकिंग आपका देखा जाता है हर क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं उद्यमी योजना है तो उसका ट्रांजेक्शन कब कितना फास्टली हो रहा है, सभी बैंक को कितना मुहैया करा रहा है, जितने भी आपका उसमें फास्ट काम कैसे होता है, किस जिला में हुआ है, कैसे क्या हुआ है, उसी का एक रैंकिंग निकाला जाता है, जिसमें सिवान पहला स्थान पर हुआ है। और रैंकिंग जो निकाला गया इसमें दूसरा स्थान पटना को और पहला स्थान मैंने बताया सिवान को, दूसरा पटना और तीसरा मुंगेर ला रहा है। यह रैंकिंग प्रत्येक माह अब निकाली जाएगी। यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की बिहार है, ये भी ट्वीट किया है कि पटना उद्योग विभाग ने कार्य निष्पादन और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग किया है, जिसमें सिवान को पहला स्थान मिला है, पटना को दूसरा स्थान मिला है, वहीं मुंगेर तीसरे स्थान पर आया है। जो 13 दिसंबर 2022 को समीक्षा बैठक हुआ था उसमें एक रैंकिंग पर बात चला था कि कौन किस जिला में कितना कार्य निष्पादन हुआ है, उस पर सबसे फास्टली काम निष्पादन आपका सिवान का हुआ है, फिर पटना का हुआ है, पहला स्थान पर सिवान को, दूसरा स्थान पर कार्य निष्पादन में आपका पटना, तीसरा स्थान मुंगेर का आता है। अब दूसरा बात ये निकल के आ रही है कि 13-12-2022 की समीक्षा बैठक को लेकर के आपको पता है कि पीएमईजीपी और पीएमएफएमई योजना के बारे में समीक्षात्मक बैठक होनी थी कि पेमेंट को लेकर के, तो वही एक बात निकल के आ रही है कि पीएमईजीपी और पीएमएफएमई योजना की समीक्षा के लिए बिहार राज्य के प्रमुख बैंकों के डीजीएम के साथ समीक्षा बैठक किया गया, जबकि स्वीकृतियों की संख्या ये आ रही है कि जो सेंशन लेटर है उसमें 2200 से लेकर के बढ़ोतरी होकर के 5500 कर दिया गया है, लेकिन जो लास्ट जो ट्रांजेक्शन है 1600 कम हो गया है, जो चिंता का विषय है। इसी इंक्रीज करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए कैंप लगाया जाएगा 21 तारीख से लेकर के 22 तारीख का समय निर्धारित किया गया है। तो मैंने बताया कि 13-12-2022 का जो समीक्षात्मक बैठक हुआ था एक रैंकिंग को लेकर के हुआ था, और दूसरा बात यह हुआ था कि पीएमईजीपी पीएमएफएमई योजना के लिए इसमें एक मीटिंग बैठाया गया था, उसमें निर्णय आपका लिया गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि संदीप पांडे जी ट्वीट किए हुए हैं कि हेल्ड ए रिव्यू मीटिंग, यानी एक मीटिंग बैठाया गया ऑफ मेजर बैंक, जो अधिकांश बैंकों के बीच में बैंक का जो डीजीएम होते हैं उनके बीच में, इन द स्टेट टू रिव्यू पीएमईजीपी एंड पीएमएफएमई
वाइल द नंबर ऑफ सेंसन हैज इंक्रीज, जो नंबर ऑफ सेंसन है वो क्या हुआ है कि इंक्रीज हुआ है 2200 से लेकर के 5500 हुआ है, लेकिन द लो डिसबर्समेंट ऑफ 1600 यानी 1600 जो लास्ट जो अदायगी है वितरण है इसमें कमी आई है, इज ए मैटर ऑफ कंसर्न यानी ये चिंता का विषय है। फिर बोला जा रहा है कि कैंप्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट यानी जितने भी जिला है सभी में कैंप लगाया जाएगा ऑन 21 to 22 दिसंबर यानी 21 से लेकर के 22 दिसंबर तक ले एक विशेष कैंप लगाया जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि 13-12-2022 को जिस समीक्षात्मक बैठक हुआ था उसमें निर्णय लिया गया कि अब जो हर माह प्रत्येक माह एक रैंक निकाला जाएगा PMEGP योजना के लिए, PMFME योजना के लिए, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के लिए, मुख्यमंत्री उद्यम योजना के लिए कि कहाँ पे क्या प्रगति हो रहा है उसके आधार पर एक रैंकिंग निकाला जाएगा। इस रैंकिंग के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसमें आपका इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के पूरा भर दीजिए। और 21 तारीख से लेकर के ध्यान रखिएगा 21 तारीख से 22 दिसंबर के बीच में सभी जिला में जितने भी जिला है सभी जिला में कैंप लगाया जाएगा। विशेष एक जो 13 दिसंबर 2022 को एक PDF जब निकाला जाएगा तो PDF जैसे कि 7 दिन के बाद PDF आता है, एक सप्ताह के बाद PDF आता है, जैसे 13 तारीख को हुआ ना, 13 तारीख को जब मीटिंग बैठा है 7 दिन जोड़िए तो 20 तारीख तक ले मेरे पास PDF आ जाएगा। अगर 20 तारीख से पहले भी PDF मेरे पास आ जाता है हम आपको सूचना जरूर देंगे। अगर आप उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, संपर्क करने का जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया जाएगा। फॉर्म भरवाने के लिए उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा, 100% आपका काम हो जाएगा, आपका हम रिसीविंग सब चीज़ दे देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उतना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारा काम हमको रहता है, आप कॉल हम करके आप डिस्टर्ब करेंगे तो इसीलिए मैं अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर किसी को नहीं देता हूँ। तो ये फ़ोनपे गूगल पे है और व्हाट्सएप नंबर उसी नंबर से चलाया जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उद्यम योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST All Tips। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST All Tips टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।